नाम है आपका जी? मोहम्मद फैज खान। कहाँ से यात्रा शुरू करके आज आप पंजाब रैया ग्राम में पहुँचे? 24 जून 2017 को लेह लद्दाख से गोसेवा सद्भावना पदयात्रा प्रारंभ हुई। लेह लद्दाख से पूर्वी भारत होते हुए हम कन्याकुमारी गए और अब कन्याकुमारी से जम्मू की ओर जा रहे हैं अमृतसर होते हुए। लगभग 14,000 किलोमीटर पैदल चलकर हम इस पवित्र पंजाब की धरती पर पहुँचे हैं, इस रैया ग्राम में पहुँचे हैं। क्या मकसद है इस यात्रा के पीछे? गाय का वास्तविक महत्व जनता तक पहुँचे, गाय के नाम पर नफरत हिंसा दंगा बंद हो, गाय के नाम पर प्यार मोहब्बत अमन और भाईचारा हो। गाय ही हमें कैंसर से बचा सकती है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। गाय का गोबर और गोमूत्र जब तक खेत में जाता था तब तक हम सब स्वस्थ थे, आज गाय का गोबर गोमूत्र खेत से चला गया, ज़मीनें बंजर होने लगी, हम सबको कैंसर होने लगा। गाय स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए वेद में गावो विश्वस्य मात्रा कहा गया, गाय संपूर्ण विश्व की माता। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गाय का दूध पियो क्योंकि हर किस्म के दरख्तों पर चरती है। गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। ईसा मसीह का जन्म गौशाला में हुआ, पहला भोजन गाय का दूध मिला, पहला बिस्तर गाय का चारा मिला। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, गो घात का दोष जग से मिटाऊं, यानी कि गो हत्या का दोष इस जग से मुझे समाप्त करना है, कोई और नहीं करेगा। यानी जिम्मेदारी हमें किसी दूसरे पर नहीं डालनी है, हमें खुद काम करना है। सभी धर्म ग्रंथों में धर्म गुरुओं ने गाय का महत्व बताया है, ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दिखा रहा है। गाय के नाम पर नकारात्मक खबरें दिखाना बंद हो, गाय का वास्तविक महत्व जनता तक पहुंचे, इसलिए पदयात्रा हम कर रहे हैं। बाय प्रोफेशन आप प्रोफेसर थे, तो आप छोड़ के इस यात्रा पे निकले हो, आपको क्या लगा कि आप चेंज कर सकते हो या फिर कुछ और सोच मन में लेके निकले हो? मैं राजनीति विज्ञान का व्याख्याता था गवर्नमेंट कॉलेज सूरजपुर में, पिछले लगभग 8 सालों से पूर्णकालिक गोसेवक हूँ और इस यात्रा करने के पीछे जो प्रेरणा मेरी रही, महाजनो येन गता सा पंथा, महापुरुषों के मार्ग पर चलो। महाभारत कहता है, कुरान शरीफ कहता है, ए दिन सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलो। तो जब मैंने देखा गौतम बुद्ध, भगवान महावीर आदि, शंकराचार्य जी, गुरु नानक देव, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी तक जब इस देश को समझने के लिए निकले तो हवाई जहाज़ में, घोड़े गाड़ी में नहीं निकले, मोटरसाइकिल और कार से नहीं निकले, पैदल निकले। और पैदल इसलिए मैं इन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर निकला कि देश की वास्तविक स्थिति जान सकूं, तब उस पर कुछ सुधार कर सकूं। तो ये पद यात्रा से बहुत बड़ा सुधार आएगा मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन इस पद यात्रा के परिणाम आने वाले समय में जो होंगे वो इस देश के लिए, जनता के लिए बहुत लाभदायक हो। स्टार्टिंग पॉइंट तो इस यात्रा का पता चल गया, कोई एंडिंग पॉइंट भी है? हाँ, लेह से प्रारंभ हुई पद यात्रा, कन्याकुमारी गई, अब कन्याकुमारी से अमृतसर होते हुए जम्मू वैष्णो देवी में इसे समाप्त करेंगे। 1 जनवरी को यात्रा जम्मू में समाप्त होगी। यात्रा का भव्य समापन समारोह 29 जनवरी 2020 को दिल्ली में होगा, राजघाट महात्मा गांधी की समाधि पर। निचोड़ में आपकी यात्रा का एक्सपीरियंस क्या है?
निचोड़ में मैं यही कहना चाहूँगा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसको हमने प्रैक्टिकली देखा है, इस बात को भूल जाइए, कोई आपसे आकर कहे कि दक्षिण भारत का आदमी हिंदी या पंजाबी से चिढ़ता है, दक्षिण भारत का तमिल हर उत्तर भारतीय भाषा का सम्मान करता है, इस बात को भूल जाइए कि इस देश के किसी गुरुद्वारे या मंदिर में भी किसी को जाना मना है। मैं मोहम्मद फैज खान रामेश्वरम मंदिर गया सिंधु का जल लेकर, कुछ लोगों ने कहा मुसलमान को जाने नहीं देंगे, लेकिन वहाँ के पुरोहितों ने गेट पर आकर मेरा सम्मान किया, मुझे अंदर लेकर गए, मेरा जल चढ़ाया। तो ये सारी भ्रांतियाँ कि वो मंदिर में नहीं जा सकता, वो मुसलमान है कि दलित है, ये इस देश में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही दक्षिण भारतीयों के मन में किसी भी तरह की गलत फहमी या बुरा भाव है उत्तर भारतीयों के प्रति, सब ने मेरा सम्मान किया है। इसके अलावा लद्दाख भारत का बहुत अच्छा क्षेत्र है, वो अलग एक राज्य बना, इससे उसकी नई पहचान बनी, वहाँ अपराध नहीं के बराबर हैं, तो ये एक अच्छी बात हुई। तो पूरा भारत बहुत सुंदर है, मैंने व्यावहारिक रूप से इसे देखा है।